वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा बक्शी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपका दिल से थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने मेरी बेटी के लिए उसके बर्थडे पर इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेजी हैं, जिसको पढ़ते ही मेरा मन खुश हो गया। और मैंने अपनी बेटी को भी पढ़ाया तो वो भी बहुत खुश हुई, क्योंकि उसके लिए भी ये नया था। उसको ये बहुत अच्छा लगा कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ और मेरे नए नए फ्रेंड्स बने हैं जो मेरी बेटी के लिए विशेस भेज रहे हैं, ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। तो वो भी बहुत खुश हुई और मुझे भी बहुत खुश हुई। तो एक बार फिर से मैं आपका दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। तो अभी ना मैंने ट्राईपॉड को बिल्कुल एसी के सामने ही रखा हुआ है और एसी की हवा मेरे मुँह पर आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि खड़े खड़े पसीने आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना ट्राईपॉड यहाँ लगाया है जिससे मेरे को बस स्वेटिंग कम हो, क्योंकि मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। बस एसी ऑन करा है और मैं इसके सामने बैठ गई हूँ। बिना फ़ैन के या बिना एसी के वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस समय गर्मी तो है ही, लेकिन वो जो साथ में एक बिल्कुल खड़े खड़े से पसीने आते हैं ना, कि बॉडी एकदम गीली होती जाती है, वैसी वाली गर्मी है। तो आज मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की है मार्केट 99 की। मार्केट 99 एक स्टोर है मॉल में, मैंने वहाँ जाके वीडियो शूट किया है। और उसमें क्या है, सिर्फ मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए थे और उसका प्राइस मेंशन है, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आती हैं तो मैं आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाती रहूँगी। तो आप मुझे बताइएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो ये बताने के लिए आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो चाहती हैं कि मैं होम सेंटर की वीडियो अपलोड करूँ, वो भी मतलब जाकर वहाँ पर होम डेकोर से रिलेटेड आइटम्स की वीडियो शूट करूँ। तो डियर, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं ये आपकी ये रिक्वेस्ट भी पूरी करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं आप किचन में चलती हूँ और आज एक बहुत मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये रेसिपी शेयर करने का जो मेन मकसद है ना, वो ये है कि ये रेसिपी मुझे आज बानी को टिफ़िन में देनी थी, लेकिन मैं देर से उठी, रात को मैं वीडियो जो है एडिट कर रही थी, तो सुबह मेरी आँख फिर देर से खुली, तो जो मैं जल्दी जल्दी बना के उसको दे पाई वो दे दिया मैंने। और उसने मुझे, मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि जब स्कूल से आएगी ना तब मैं बना के रखूँगी, तो यही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर चलूँ मैं किचन में। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी ना मेरी अपनी रेसिपी है, इसका कोई नाम मैं नहीं दे पा रही हूँ कि क्या दूँ मैं इसको नाम, लेकिन इसका जो मैंने नाम रखा है वो रखा है मसाला बर्गर। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला बर्गर, उसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। मसाला बर्गर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आटा बर्गर बंस लिए हैं, ये हार्वेस्ट के हैं, आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में, तो ये मैंने वो लिए हैं। और साथ में मैंने लिया है एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और गाजर लिए हैं मैंने वही ऑरेंज वाली, दो मीडियम साइज की, चॉप कर लिए हैं इनको। और लिए हैं टमाटर दो मीडियम साइज के, इनको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और प्याज को भी मैंने चॉप कर लिया है, और ये हैं दो मीडियम साइज के प्याज हैं ये। और साथ में मैंने लिया है यहाँ मटर, ये बॉयल मटर है, थोड़ी सी लिया है मैंने, करीबन आधा कटोरी। और लिया है मैंने पनीर, पनीर भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और ये भी आधा कटोरी है। और यहाँ पे मैंने एक ग्रीन चिली ली है, चिली आप अपने हिसाब से अगर तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही ली है क्योंकि एक ही बहुत तेज हो जाती है बच्चों के लिए। और लिया है मैंने यहाँ पर कोरिएंडर, धनिया ये मैंने चॉप कर लिया है, इसको भी छोटे छोटे उसमें काट लिया है, यह है आधी कटोरी। और यहाँ पे मैंने लिए हैं तीन आलू, ये जो आलू है ना ये बॉयल नहीं है, ये कच्चे आलू हैं, इनको भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगी। तो मैंने इनको पहले ही काट के इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये ब्राउन हो जाते, और अगर वैसे तो हम पानी में अगर आलू को डिप करके रखें तो वो काटने पर पानी में डिप कर दें तो वो काले नहीं होते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि उसी टाइम मैं काटूं तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीज भी लिया है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, ये भी हम इसमें डालेंगे। तो मैंने यहाँ कढ़ाई ले ली है, और अब कढ़ाई में मैंने, कढ़ाई गर्म हो गई है और कढ़ाई पे मैंने प्याज डाल दिए हैं, और इसी के साथ सिम फ्लेम रखेंगे, और इसी के साथ मैं डालूंगी यहाँ पर ये गाजर, इसको चला लेंगे थोड़ा। डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी पटेटो जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और इसको भी हम चला लेंगे, फ्लेम को सिम पे रखिएगा, याद रखिएगा। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ग्रीन चिली, इसको भी मिला लेंगे, और साथ में मैं इसके अंदर डालूंगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छी तरह मिला लेंगे।
आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने कोई तेल अभी तक ऐड नहीं किया है, ना तेल ना घी कुछ भी नहीं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? मैं बटर ऐड कर रही हूँ अमूल का, जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता इसको हिलाते रहेंगे। बटर चाहे तो आप और भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो अब नमक डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, बीच में हिलाते भी रहेंगे, इसको ढकेंगे नहीं, खोल के ही पकाएंगे। इसे 4 मिनट हो चुके हैं इसे ऐसे पकते हुए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर, अच्छी तरह मिला लेना है। और हमारे ना साथ में ही जो घर है ना वहाँ पे काम चल रहा है, तो वहाँ पे ड्रिलिंग मशीन चल रही है तो थोड़ी सी नॉइज आ सकती है। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ ग्रीन पीस, ये मैंने पीस बॉईल कर लिए थे। और अब इसी के साथ इसमें मैं डालूंगी धनिया, और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। मसालों में सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर पाव भाजी मसाला। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच पाव भाजी मसाला, साथ में मैं इसमें डालूंगी रेड चिली पाउडर कलर वाला, और डालूंगी धनिया पाउडर 1 चम्मच। सारे मसाले इसमें मिला लेंगे अच्छी तरह, और फिर इसको 5-7 मिनट पकने देंगे। फ्रेंड्स, इस समय खड़ी हूँ मैं बानी के रूम में, और अभी हमारा मसाला बन रहा है, उसे 5 मिनट लगेंगे बनने में। तो मैंने कहा आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, वो मैं बताना भूल गई थी। मुझे बानी ने याद दिलाया कि मम्मा आपने वीडियो में मेंशन किया था कि आप बताओगे कि हर्षु ने मुझे क्या गिफ्ट दिया। तो उस समय बिजी थी, मैं बता नहीं पाई, भूल गई। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि हर्षु ने अपनी सिस्टर को बर्थडे पर क्या गिफ्ट दिया है। तो हर्षु ने क्या दिया है, अभी तो वो बहुत छोटा है, लेकर तो मैं अपनी पसंद से आई हूँ, लेकिन उसको ये है कि बर्थडे पर गिफ्ट देते हैं, तो वो उसने दिया है, ये उसका नाम है इसमें। चलिए मैं दिखाती हूँ पहले। तो ये एक फ्रेम है जिस पर लिखा है विशेस ऑन योर बर्थडे। तो ये जो विशेस है ना, इसमें सेल डलता है, ये बैटरी ऑपरेटेड है, और ये मैंने आर्चिस से लिया है। आर्चिस पे ऐसी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं बर्थडे पर विश करने के लिए, या किसी भी कुछ भी हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, तो सब कुछ मिल जाता है आसानी से। तो ये वहाँ से लिया मैंने। और एक कार्ड दिया हर्षु ने, एक तो ये दिया है और ये कार्ड दिया है, हैप्पी बर्थडे सिस्टर। तो आर्चिस पे जो कार्ड मिलते हैं ना, वो भी बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं। सिस्टर को बर्थडे विश करनी हो, या ब्रदर को करनी हो, हस्बैंड को करनी हो, वाइफ को करनी हो, तो बस यही दो चीज़ें हर्षु ने दी हैं। छोटी सी चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी, और ये बानी मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मम्मा आपने बताया नहीं, बताया नहीं, क्योंकि बानी मेरी वीडियो देखती है, जब मैं अपलोड करती हूँ ना तो मेरे ही फ़ोन में देखती है वो मेरी वीडियो, तो उसी ने मुझे बताया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं चलते हैं किचन में, अपने मसाले को देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला जो है वो बिल्कुल डन हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे ही इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे दबा के। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छी तरह मैश कर लिया है, तो बस ये डन हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ पनीर, इसमें पनीर डाल देंगे। आलू हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, और कच्चे आलू डालने से क्या होता है कि ना, जो आलू होता है ना वो फ्राई भी हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो अच्छा लगता है। और साथ में ही मैं इसके ऐड कर दूंगी अब चीज़। चीज़ डालने के बाद हम इसको चला लेंगे। तो बस ये हमारा बन चुका है बिल्कुल मसाला, बर्गर का मसाला हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब मैं तवा गर्म करूंगी और फिर ये जो बर्गर है उसको बनाने की तैयारी करेंगे। तो तवा गर्म हो गया है, तो मैं ये बन पे बटर लगाऊंगी नीचे बेस पे। अब मसाला जो है वो मैं ऐसे ऊपर ये स्प्रेड कर दूंगी, और साथ में इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चीज़ लगाऊंगी। तो इसमें मैंने चीज़ डाली है, और ये बच्चों को ना ये टिफ़िन में बहुत अच्छा लगता है। ये एक और रेसिपी है जो आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। तो ये अब मैं थोड़ा सा सेक लूँगी तवे पे, और ये तो मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो चाहें तो थोड़ा सा ऊपर भी बटर लगा सकते हैं। तो ये हमारा मसाला पाव बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैं तो बैठ गई इसको खाने के लिए, क्योंकि जो भी ऐसा मैं यम्मी सा खाना बनाती हूँ ना, ये वाला कुछ ऐसा,
तो मैं उसको जरूर खाती हूँ, चाहे मैं कितनी भी डाइटिंग कर रही हूँ, चाहे मैं खाना मैंने छोड़ रखा हो, जो भी है मैं इसे ज़रूर खाऊंगी और अभी खाऊंगी। और ये बहुत टेस्टी बना है, आप भी बना के ज़रूर देखिएगा, मैं खा के बताती हूँ। मेरे ना मुँह में पानी आ रहा है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मैं बताती हूँ कैसा बना है। बहुत ही यम्मी बना है, बहुत। एक तो जो हमने फिलिंग बनाई ना वो तो है ही, और जब हमने इसको तवे पे सेका ना तब ये अंदर से और अच्छा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। तो आप भी ट्राई करिएगा इसको ज़रूर। चलो फिर मैं इसको ख़त्म करती हूँ। और ना थोड़ी सी फिलिंग ना मैं खाने के लिए भी लाई हूँ बर्गर के अलावा, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस यम्मी से खाने को एंजॉय करती हूँ, और आप भी बनाइए और एंजॉय करिए। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए, जिससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।